लोकसभा चुनाव 2024 गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन यात्राएं चल रही हैं और रैलियां हो रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जी। सचिन जी, इतना सब कुछ हो रहा है, आपका अलायंस भी हो रहा है, लेकिन अलायंस ऐसा हो रहा है कि पार्टियां आपके अलायंस वाली ही, आप जितना सम्मान दे रहे हैं उतना आपको सम्मान नहीं दे रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब नेगोशिएशंस होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और कभी कभी अलायंस में डिस्कशंस में कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं, लेकिन खट्टी ज़्यादा हो रही है। नहीं नहीं, एंड में अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी एक अलायंस की घोषणा हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द होने वाली है, और लगभग 2 दर्जन पार्टियां हमारे अलायंस के अंदर हैं। और मुझे लगता है कि हम सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एनडीए को हराना है। तो छोटा मोटा गिव एंड टेक होगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा, लेकिन एंड में जो परिणाम आएगा वो बेहतर होगा इंडिया अलायंस के लिए भी और देश के लिए। जो इंडिया अलायंस शुरू किया नीतीश जी ने, वो खुद ही चले गए। अब उनकी अलग, वो तो पहली बार तो गए नहीं हैं, वो तो लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे पार्टनर्स हैं मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम सबका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है वो है कि यहाँ पर एक इंडिया की सरकार हटाकर इंडिया सरकार बनानी। और आपके जो साथी, अपने साथी, आपके युवा साथी, आपके साथ जो फोटो में दिखते थे राहुल गांधी के साथ, वो जो छोड़ के चले गए, जिसको जाना है वो चला गया। और हर व्यक्ति को ये छूट होती है निर्णय लेने का, किस पार्टी किस विचारधारा में काम करना है। किसी की मजबूरी है, किसी को कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जनता और समय तय करेगा कि उनका निर्णय कितना सही था कितना गलत था। गलत हो सकता है उनका, आपको लगता है उनका निर्णय गलत था? मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका निर्णय है और सबके सामने हैं, लेकिन कई तो चीफ मिनिस्टर बन गए छोड़ छोड़ के। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़ते हैं, पार्टियों में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पब्लिक ही निर्णय करती है कि आपने सही किया गलत किया। सवाल ये होना चाहिए कि जनता किसको चुनेगी, किन मुद्दों पर चुनेगी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लोगों की जो तैयारी है, हमारी पार्टी का और हमारे अलायंसेस का जो गठजोड़ बना है, उससे भाजपा चिंतित है और परिणाम कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा चिंतित है, आप चिंतित नहीं? इतने सारे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। आप मैंने कहा ना, पार्टी भाई जिनको जाना है वो जा रहे हैं, उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 300 पार 400 पार 500 पार कर रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग पार्टियों के एक एक नेता को अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई उनको जोड़ने की हर राज्य के अंदर? तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि 10 साल का जो उनका शासन रहा वो प्रचार और प्रोपेगेंडा के अलावा जो वास्तविकता हैं उसको समझ रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, जवाब मांग रही है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सवाल पूछने की हिम्मत लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एनडीए को दोबारा से पुनर्जीवित करने का जो एक मुहिम छिड़ी है बीजेपी ने, वो इसको देख के की है। वो कह रहे हैं कि हमने तो 370 हमारी तो पक्की है, हम तो ये 400 पार के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा ना, ऐसी नारा देना तो बहुत अच्छी बात है चुनाव से पहले, लेकिन अगर इतना अति आत्मविश्वास भाजपा के अंदर होता तो ना तो वो बिहार में जो करते, जो उन्होंने किया वो करते, ना वो कांग्रेस या बाकी दलों के नेताओं को अपने साथ जुड़ने की कोशिश करते। अगर खुद में इतना वो सशक्त होते, मजबूत होते, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा इतना बड़ा बहुमत लेने की उनमें अगर क्षमता होती तो ऐसा नहीं करते। पर वो जो वो तो चलो नारा दे रहे हैं, आप तो नारा भी नहीं दे रहे, आप तो ये भी बोल रहे हैं। देश नारों से नहीं चलता है ना, देश परफॉर्मेंस से चलता है, देश नीतियों पे चलता है, गवर्नेंस पे चलता है। देश में जो जिन ताकतों को जनता पसंद करती है, उनको वोट डालती है, वही तो शासन करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हमारे सामने आया है कि अगर एनडीए या बीजेपी ने कहा हो कि हम 5 साल में हम ये करेंगे, वो तो अपनी बात करते हैं कि हम 300 पार 400 पार 2047 तक का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है वो, एक सपना दिखाने वाली बात है। ब्लूप्रिंट होता है कि आपका एजेंडा युवाओं के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, महंगाई को कम करने के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है। अब पूरे प्रदेश और देश भर के किसान आंदोलित हैं, उनसे क्या आपने वादे किए थे, वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे जिन पर जनता सरकार और भाजपा की राय जानना चाहती है, लेकिन वो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो भावनात्मक हैं या विवादित हैं या जज्बाती मुद्दे होते हैं, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट रहे और वो जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, कृषि का, निवेश का, चिकित्सा का, सड़क निर्माण का, गाँव के अंदर, मतलब एक तो होता है प्रचार करना, एक प्रोपेगेंडा, एक होता है वास्तविकता में धरातल पर हकीकत क्या है, क्या 10 साल पहले जो लोगों की ज़िंदगी थी आज वो बेहतर हो पाई है, क्या हमारे देश में अमीर गरीब की खाई बड़ी है कम हुई है, क्या शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, क्या आपने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे भाजपा ने अलग अलग राज्यों में, क्या वो पूरे कर पाए हैं। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ना कि
किस व्यक्ति ने कौन से पार्टी को क्या बोला या 2047 का क्या नारा दिया, मैं समझता हूँ वो जनता सब समझ रही है। आप ही बात कर रहे हैं, हकीकत क्या है, धरातल क्या है? हकीकत तो ये है ना, अभी आप ही के प्रदेश में चुनाव हुआ, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस आपने की, आप मुद्दे लेकर गए यही वाले, आप तो हार गए, आप क्यों हार गए फिर? हर राज्य में अलग परिस्थिति होती है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अपनी हार को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव, तीनों चुनाव हारे, हमें उम्मीद थी हम सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाए। लेकिन राजस्थान में जो हार का अंतर है वो 1 या 1.5% है, ये छत्तीसगढ़ में हाल है, 1% का डिफरेंस है वोट शेयर का भाजपा कांग्रेस में। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश जीते हैं, हम तेलंगाना जीते हैं, हम कर्नाटक जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की हर जगह जो डबल इंजन का जो नारा देते हैं वो कामयाब होता है, और बीजेपी या किसी और दल को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। हम 1 चुनाव 2 चुनाव हार जाएं जीत जाएं इससे भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान आप हारे, क्या ये आंकलन गलत है कि आप आपस में ही लड़ते रहे इसलिए हारे? अशोक गहलोत ने आपको निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा, अब उनके ही साथी, अब उनके ही साथी पार्टी छोड़ के जा रहे जो उनके साथ थे, महेंद्रजीत मालवीय जी, आप तो गद्दार थे और वो उनके साथ थे, वो ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो, अतीत में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, किसने क्या बोला, नहीं कहा, किन शब्दों का प्रयोग किया, वो सब बात पुरानी हो गई है। और मुझे तो, जैसा मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने कहा कि भूलो और माफ़ करो और आगे बढ़ो। और आपने माफ़ कर दिया अशोक गहलोत को? मैंने देखो, हमने प्रदेश हित में, पार्टी हित में, देश हित में ये कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा को हम रोक पाएंगे, और चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए। 30 साल से राजस्थान में हम कभी दोबारा चुनाव जीते ही नहीं, हम चुनाव लड़ते हैं, 200 सीटों की विधानसभा है, कभी 20 पे आते हैं, कभी 50 पे आते हैं, तो इस बार हमें लगा था हम मेहनत करके चुनाव में दोबारा जीत हासिल कर सकते हैं, दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। फिर भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, हम लगभग 70 हमारे जीत के आए, एमएलए जीत के आए, लेकिन जो हो गया वो तो पीछे निकल गया ना। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, उसके लिए हम लोग मिलकर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। उसमें वो कारण नहीं था आपको दरकिनार करना? देखिए, कोई किसी को दरकिनार नहीं कर सकता है, और कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरवा सकता है। जीत भी पार्टी और टीम की होती है, हार भी पार्टी और टीम की होती है, और इस हार को हमने स्वीकार किया है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम कुछ अलग करके देखते इस बार तो शायद हम दोबारा चुनाव जीत सकते थे, और हम बहुत पीछे भी नहीं रहे। जैसे मैंने कहा, 70 सीटें जीते हैं और 101 का बहुमत है, तो कुछ हम अगर अलग करते, कुछ और थोड़ा प्रयास करते तो शायद हम चुनाव जीत जाते। बहरहाल चुनाव, जैसे मैंने कहा, जीत भी सबकी और हार भी सबकी। आपने कहा कि पिछली बार जब आप हारे थे, आप पूरी यात्रा वगैरह लेकर गए, पूरे राजस्थान में सब जगह गए, और फिर आपने जीत हासिल की, आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। रेवंत रेड्डी ने भी यही किया। रेवंत रेड्डी एक एग्जांपल है कांग्रेस के सामने कि ओल्ड गार्ड के बजाय नए चेहरे को आगे रख के चुनाव जीता जा सकता है। तो पार्टी, चलिए, फेलियर से नहीं सीखती, अपनी सक्सेस से तो सीख सकती है। तो मैं तो, आप जो कह रहे हैं, मैं हमेशा इसका पक्षधार रहा हूँ कि हमेशा नई पीढ़ी के अच्छे नौजवान, मजबूत लोगों को हमें आगे लाना चाहिए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, तब मैंने नौजवानों को बहुत मौके दिए। इस बार भी मैंने नौजवानों के लिए बहुत पैरवी करी, उनको टिकट दिलाने की बात करी, और जनता भी पार्टी के इस सकारात्मक निर्णय को पसंद करती है। आप अगर डेटा देखेंगे तो जितने हमने यंग लोगों को टिकट दिया है, उसमें से अधिकांश चुनाव जीत कर आए हैं। तो यंग लोगों को अगर हम लीडरशिप रोल्स में लेकर आते हैं, उनको मौके मिलते हैं, तो पब्लिक पसंद करती है, और ये एक वास्तविकता भी है देश की। नौजवान देश है, यहाँ मजबूत नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए। अभी ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि आपने तरीके की बात की, कहा कि हालांकि वो शहर के ही नेता थे, एक मुंबई शहर के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना चाहता था, तो मुझसे उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 10 किलो वजन कम करके आई है। इसी तरह की बातें बहुत लोग पहले कह कर गए हैं। जो पार्टी छोड़ के जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, उसको कुछ ना वो छोड़ के नहीं जा रहे थे, आपने हटाया उनको क्योंकि उनके फादर छोड़ के चले गए। अरे भाई, वो फादर और सन बेटा एक ही बात है, छोड़ गए, ठीक है, जैसा मैंने कहा उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन पार्टी छोड़ें, अपने कांडों पे छोड़ें। छोड़ते वक्त नेताओं को गाली गलौज करें या उनके बारे में अपशब्द या दुर्भावना फैलाएं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। आपके बारे में तो अपशब्द कहे गए, आप क्यों बने हुए इस पार्टी, आप क्यों पीछे पड़े? नहीं, अच्छा, मैं अगर मेरे बारे में कहा था तो सुन लिया मैंने, और मैंने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कभी भी अपने से किसी बड़े व्यक्ति का हमेशा आदर ही किया है, कभी मान सम्मान में कमी नहीं रखी, और जो कुछ कहा नहीं कहा वो बात पुरानी हो गई। और जैसे मैंने कहा, मुझे कहा भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। मैं जब राजनीति में आया था, कुछ सोच के आया था, मैं राजनीति में आया था तो कुछ करने के लिए आया था,
इस देश में बहुत संभावनाएं हैं कुछ करने की, एक सोच होती है, एक एक आइडियोलॉजी होती है, एक 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 विश्वास होता है, तो मैं उस पर अडिग हूँ, उस पर कायम हूँ। ठीक है, कई बार मतभेद हो जाते हैं नेताओं के साथ, साथियों के साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस रास्ते पर निकले थे उससे पलट के कहीं और अब जाना शुरू कर दें। देश सेवा का अगर रास्ता है तो वो दूसरी पार्टियों में भी है, बीजेपी में देश सेवा का रास्ता नहीं है? देखिए, वो डिपेंड करता है आप परिभाषा क्या है। मैं तो कहता हूँ अलग अलग दल हैं, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भारत देश को विकसित करना है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है। वहाँ अलग अलग रास्ते जाने के हैं, किसी को जिसको जो रास्ता पसंद है उसमें जाता है। मुझे जो पसंद है मैं वहाँ बैठा हूँ और वहीं काम करूँगा, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूँगा। ये क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि अब कई लोगों को तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही समझ में नहीं आती। देखिए, पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखने की जो एक भावना है, संविधान को सर्वोपरि रखने की जो भावना है, एक इंक्लूसिव लिबरल सबको साथ लेने की क्षमता, इच्छा शक्ति और परफॉर्म कर दिखाने की जो एक एक सोच और काम करने का तरीका है, वो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर हमारी पार्टी में है। बहुत से दल हैं, 30-40 पार्टियाँ पार्लियामेंट में हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन आज रिक्वायरमेंट इस देश को ये है कि लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। बहुत सारे हमारे यहाँ भाषाएँ हैं, धर्म जाति हैं, वेशभूषाएँ हैं, पृष्ठभूमियाँ हैं, उन सबको एक कैसे रख सकते हैं, और हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है। आज जो मणिपुर में घटना घट रही है, अगर किसी और राज्य में होती शायद उसका रिएक्शन दूसरा होता, लेकिन वहाँ पर रहने वाला इंसान भी इस देश का नागरिक है, वहाँ के लोगों को उतना ही अधिकार है एक सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, अपने जीवन जीने का, तो उन सबको जोड़ने का जो काम कर सकता है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। ये आपने जोड़ने की बात की, यही बात लेके राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे और अब फिर यात्रा पर निकले हैं, आप भी उस यात्रा में शामिल हुए और शायद राजस्थान के लेग में फिर शामिल होंगे, लेकिन चुनावों में उस यात्रा का असर कुछ दिखता नहीं है, बल्कि ये बीजेपी भी बार बार कह रही है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके साथी उल्टा छोड़ते जा रहे हैं, तो पब्लिक में तो यही इमेज जा रही है ना कि राहुल गांधी की यात्रा का असर अपनी पार्टी में तो हो नहीं रहा, वोटरों पे क्या होगा? कि यात्रा जो निकली थी पहली, वो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे जटिल और सबसे बड़ी यात्रा थी। 4,500 किलोमीटर पैदल मैं खुद चलाऊँ यात्रा में, 20-25 किलोमीटर रोज चलना, किस लिए चढ़ना, लोगों को सुनना, देखना, समझना, जोड़ना, बात करना। और देश में जो एक खाई बन गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गांव और शहर के जो दूरियां बनी हैं उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को साथ जोड़ने के लिए, उसमें सिर्फ एक एकता का एक एक भावनात्मक मुद्दा था। आप उसकी तुलना करें कि कितना वोट बढ़ा कितना घटा, वो अलग बात है, लेकिन उसका फ़ायदा पार्टी को मिला, उससे एक लोगों में एक एक धारणा पैदा हुई कांग्रेस वर्कर्स के अंदर कि हम मजबूत हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, जहां बहुत सालों से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन उस यात्रा के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को आग्रह किया कि आप एक पूर्व से पश्चिम यात्रा और निकालिएगा। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है कि जिनकी आवाज़ आज दबी हुई है, जिनको कोई सुन नहीं रहा, मीडिया में उनकी बात आती नहीं है, किसान है, गरीब है, नौजवान है, उनकी बात को सुनना, उनको ताकत देना, उनकी आवाज़ को बल देना। चुनाव जीतना इस यात्रा का मकसद नहीं है? इस यात्रा का मकसद चुनाव जीतना नहीं है, इस यात्रा का मकसद लोगों को सुनना और कांग्रेस की विचारधारा को व्यापक बनाना है, निश्चित रूप से। लेकिन उसको आप आकलन करो कि इस बूथ पे गए थे, यहाँ 200 वोट ज़्यादा मिले या कम मिले, ऐसा इस यात्रा का एजेंडा वो नहीं है। उसका लाभ हमको मिला, कम तो नहीं होने चाहिए, चलिए जुटाने नहीं जा रहे, कम ही होते जा रहे हैं। ऐसा है, जिस राज्य में हम 30-40 साल से पावर में नहीं है, यूपी है या बंगाल है या और कोई राज्य है, वहाँ पर आप आकलन करें कि क्या परिवर्तन आया क्या नहीं आया, वो गलत होगा। लेकिन एक कार्डर को, वर्कर को, सहानुभूति रखने वाले लोगों को विश्वास में लेना, उनको संबल और ताकत देना, वो इस यात्रा का लक्ष्य है। और न्याय की मांग करना ना, जिनको न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी यूपी में अपनी सीट हार गए थे पिछले बार, हार गए तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ऐसे इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, तो राजनीति में जिंदगी में चुनाव में हारना जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य तो नहीं हटे, अपनी आवाज़ तो बुलंद करी। आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ अगर किसी की है विपक्ष में तो राहुल गांधी की तो है, कांग्रेस पार्टी की तो है, और पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई भाजपा को चुनौती दे सकता है तो वो दल कांग्रेस पार्टी तो है। इंडिया लाइन्स हमारे 2 दर्जन पार्टीज़ हैं, सबको मान सम्मान है, सबके साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं किसी पार्टी का पैन इंडिया लेवल पर एक एक प्रेजेंस है और जो बीजेपी को नेशनली चुनौती दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी तो है। मान सम्मान आप दे रहे हैं, उधर से उतना मान सम्मान मिलता दिख नहीं रहा साथियों से। ममता जी कह रही हैं आप 40 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे, मतलब अलायंस भी कर रहे हैं आप उधर, और उनको बोल भी रहे हैं कि कर लीजिए
वो करेंगे 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी, तो विपक्ष में जाने के लिए अलायंस हो रहा है। आप मत भूलिए कि एनडीए भी कैसे बिखरा था, एनडीए भी लगभग समाप्त हो गया था, वो तो इंडिया अलायंस का जब गठबंधन हुआ तब जाके दोबारा उन्होंने एनडीए को पुनर्जीवित किया, लेकिन चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो उस समय उनको तो जरूरत नहीं थी, एक बात है, लेकिन अलायंस तो टूटा था। हमारे यहाँ पे ठीक है दो चार स्टेटमेंट्स आए, वो एक पोस्टरिंग भी होती है, चर्चा भी होती है, और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं अलग अलग दल हैं, अगर हम सारे ही एक साथ बैठ के एक सोच के रखें तो अब एक पार्टी नहीं बन जाते। अलग अलग पार्टियां क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग सोच है, अलग अलग राज्यों में उनकी प्रेजेंस है, और हर पार्टी का एक महत्व है, हर पार्टी अपना पॉलिटिकल स्पेस की रक्षा करना चाहती है, तो ये गिव एंड टेक बड़ा जटिल होता है, नेगोशिएशन बहुत समय लग जाता है, कभी कभी किसी को हो सकता है कोई आहत हो जाए किसी स्टेटमेंट से, लेकिन बड़ा लक्ष्य ये है कि हमें मजबूती से एनडीए को हराना है। उस लक्ष्य को लेकर सब साथ आए हैं, हमारा अनाउंसमेंट सपा के साथ यूपी में हो गया और दोनों का बहुत जल्द होने वाला है, और मुझे लगता है जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है वो एक मल्टीपल कई बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं,